दोस्तों, हमें हर सांस के साथ अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक ऐसे घर में पैदा फरमाया जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह हमने अपने पैदा होते साथ ही पढ़ लिया, और हमारे कान में सबसे पहली जो आवाज़ गई वो अजान की आवाज़ थी जिसमें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर का जिक्र था। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक शख्स है जो कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक रखता है। इस शख्स की हालत देखिए, मुर्दा हालत में इस शख्स को एक ऐसी तवीज़ और दबीज़ किस्म की लकड़ी के साथ बांधा जा रहा है जहाँ से ये हिल नहीं पाएगा। जाहिर है कि ये वैसे भी मुर्दा है। और फिर उसके बाद इसे इनकार्सिनेशन यानी जलाने के लिए एक भट्टी के अंदर डाल दिया गया, और फिर जो इसकी हड्डियाँ निकलीं उनको एक छोटे से मटके में डालकर इसकी अस्थियों को अब गंगा में बहाया जाएगा। ज़रा देखिए कि सारी ज़िंदगी भी कुफ्र के अंदर गुजार दी, और दुनिया में जो इसका आखिर हुआ यानी मौत हुई वो किस तरह से हुई, किस तरह से जला दिया गया, और फिर आखिरत में इनके साथ क्या होगा, इसका तो हम सिर्फ अंदाज़ा ही कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान की जिंदगी और ईमान की मौत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।